अस्सलाम वालेकुम भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हमने क्या करना है, अपने सेटअप की दोस्तों मुर्गियों वाले सेटअप की सफाई करनी है। आप देख सकते हैं कितनी किस कदर जो है यहाँ गंद पड़ा हुआ है, मिट्टी रेत सब कुछ जो है यहाँ पे बीठे वगैरह हर चीज़ पड़ी हुई है। तो आज हमने सफाई करनी है, तो क्योंकि अगर हम ऐसे ही छोड़ देंगे तो क्या होगा, हमारी ये ना हो कि मुर्गी दोस्तों बीमार हो जाए। तो हमने तो ये देखें, ये पिंजरा भी इनका देखें कितना गंदा हो रहा है। तो बाकी मैं आपको दिखाता हूँ, हमारी असील मुर्गी ने दोस्तों आज भी अंडा दिया माशाल्लाह। ये देखें माशाल्लाह दोस्तों, ये देखें ठीक है, एक अंडा ये आ गया हमारे पास। बाकी अभी भी अंडे दे रही है, अभी तक असरात तो नज़र नहीं आ रहे कि ये कूड़प होगी अभी तक। तो बाकी अगर हम सफाई नहीं किएंगे तो क्या होगा, हमारी मुर्गियाँ बीमार हो सकती हैं। और कल दोस्तों बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी, हवा बहुत ज़्यादा ठंडी चल रही, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि मेरे परिंदों को भी ढका था। तो बाकी आज भी देखें धूप निकल रही है, लेकिन मौसम बड़ा ही कमाल का हो रहा है, हवा चल रही है बड़ी ठंडी ठंडी, और परिंदे भी खुश हैं, हम भी खुश हैं। तो बाकी इनकी अंडे वाली जगह भी हमने बनानी है, ये सही नहीं है, यहाँ पे मुर्गी हमारी अंडा नहीं देती। तो बाकी सफाई करनी है, सफाई करने के लिए ये मैं सामान ले आया हूँ, झाड़ू पड़ी हुई यहाँ पर, इसके अलावा बड़े बड़े छापर लेके आया हूँ यहाँ पर मैं, ये पड़े हुए। तो चलें सफाई को शुरू करते हैं। और सफाई की सेफ्टी के लिए हमें क्या करना होगा कि मास्क पहन के जो है हमें सफाई करनी होगी। तो बस आपसे ये रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और वीडियो दोस्तों आपने लास्ट तक देखनी, और वीडियो को लाइक भी कर दें। तो चलें शुरू करते हैं, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ इनके केज की सफाई करते हैं, उसके बाद फिर जब बाहर निकलेगा फिर शुरू करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको छत का ओवरव्यू दिखाता हूँ कि ये देखें कितना गंद आपको नज़र आ रहा होगा, इसके नीचे टैंकी के नीचे हर जगह जो है ये देखें गंद पड़ा हुआ है। तो जब सफाई होगी फिर भी मैं आपको यहाँ पे खड़ा होकर दिखाऊंगा कैसा व्यू होता है। तो चलें सफाई को शुरू करते हैं, और उधर से शुरू करते हैं अपने केज की तरफ से, ताकि वहाँ से सारा गंद हम जब यहाँ निकालें फिर इधर से सारा का सारा दोस्तों ले के यहाँ पर इकट्ठा कर देंगे। यहाँ से फिर इकट्ठा करके शॉपर में डाल के फिर हम ले जाएँगे कूड़े में। गंद निकला है पूरे केज में से। तो बाकी जो अंडे देने वाली जगह है दोस्तों, उसमें जो है मिट्टी पड़ी हुई है, तो उसको नहीं मैं छेड़ूंगा, क्योंकि वहाँ पर मुर्गी जाके अंडा देती है, तो इसलिए उसको मैं वहीं पर रहने दूंगा। वो मैंने उठा लिया, बाकी सर्दी जैसा कि आपको पता आ रही है, तो इंशाल्लाह मैं कुछ दिनों में यहाँ पे कूड़ी बिछा दूंगा, ताकि हमारे मुर्गियाँ जो है वो ठंड से बची रहें, और इंशाल्लाह इनको हम ढका भी करेंगे आगे आगे दिनों में। तो चले इस गंद को पहले उठाते हैं, उसके बाद हम चलेंगे बाहर वाली साइड पर, बाहर वाले सेटअप पे जाकर दोस्तों से पढ़ा। फाइनली दोस्तों माशाल्लाह से ये वाला काम तो हमारा कुछ ही मिनटों में ख़त्म हो गया, इतने इसमें मेहनत नहीं लगी। असल मेहनत लगेगी इस वाले सेटअप पे, इसमें तकरीबन हमें मुझे लग रहा है 1.5 घंटा लग जाएगा सफाई करने में, को यहाँ से भी साफ़ करना है, हर जगह से जो है ना सफाई करनी है। बाकी छापर में जो है मैंने ये देखें सारा गंद डाल दिया है, इसमें भी और आ जाएगा। बाकी बड़े बड़े छापर लेके आया हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कुछ इस तरीके के जो है ना बड़े बड़े छापर लाया हूँ। तो अगर ये छापर बच गए तो मैं क्या करूँगा, वो जो गंद देख रहे हैं आप लकड़ी वाले में, वो सारा निकाल दूंगा उसमें, फिर हम कोशिश करता हूँ मैं अंडे वाली जगह बनाऊंगा मुर्गियों की। तो बाकी मुर्गियों को दोस्तों हम सारा इनको इसमें डाल देते हैं, ताकि क्योंकि हम सफाई करेंगे वो डरेंगी, तो ऐसे फिर वो छतों पे टप सकती हैं। तो चलें मैं मुर्गियों को लेके आता हूँ।
देखा कितना प्यारा लग रहा है हमारा केज, तो इसको इनको भी दोस्तों मैं अंदर ही दाना डाल देता हूँ ताकि ये अंदर जो है खाते रहे। ये देखें माशाल्लाह। चलें अब छत की सफाई दोस्तों करते हैं शुरू। असल काम तो हमारा अब छत पे है, तो सबसे पहले मोटी मोटी चीज़ें उठाते हैं ताकि हमें सफाई करने में दोस्तों आसानी हो। तो यार टायर मैंने उधर भेजा था, मैंने कहा चलें ऐसे ही चला जाएगा, उसने जाके और काम फैला दिया। वो देखें सारी ईंटें गिरा दी है। खैर इसको मैं इसको भी उठा लेता हूँ, तो इसको भी दोस्तों मैं उठा लेता हूँ क्योंकि बड़ी मेहनत वाला काम है छत की सफाई करना। देखिए सारी ईटें टायर ने गिरा दी है, इसको मैं बाद में उठाऊंगा। मैं क्या करता हूँ दोस्तों, मोटी मोटी चीज़ें जो आप ये इस तरीके के देख रहे हैं इनको उठा के लगाते हैं साइड पे, बाकी जो छत की सफाई है वो मेरा भाई करेगा, ठीक है। और ये जो ईटें यहाँ पर गिरा दी थी टायर ने, इसको भी जो है मैं यहाँ लगा देता हूँ। छत पे से तो इसे गत्ते से तो हमें मेहनत लगेगी, इससे जो है हम उठा के डाल देते। तो दोस्तों यहाँ पे जितना भी गंद था पिंजरे थे सारे निकाल के इधर लगा दिए धूप में, इनकी सफाई भी मैंने कर दी है। और बस यहाँ से मैंने सारा सामान उठाना है, ये मटकी वगैरह उस वाली साइड पर लगानी, क्योंकि दोस्तों हमने बनवाना है अपना सेटअप जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम पेश आएगी गंद की वजह से। तो पहले मैं क्या करता हूँ, गंद को उठा के मटकी उधर लगाता हूँ, जितना भी गंदा सारा बाहर निकालते हैं। और जो लकड़ी वाला पिंजरा दोस्तों उसको भी मैं यहीं कहीं पर इधर कहीं पर जो है मैं लगाता हूँ मुर्गी अंडे लेने के लिए जगह। और बाकी मैं शिफ्टिंग कर रहा हूँ दोस्तों केज की धूप में, क्योंकि आपको पता है कि रात को ठंड होती है, ताकि अगर हम लेट भी आएँ सुबह तो उनको धूप लगती रहे और हमारे परिंदे जो हैं वो बीमार ना हो, ठीक है। तो चलें सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ से दोस्तों सफाई करते हैं। तो ये इतना सारा गंद निकला है शापरों में, मैंने भर दिया है, कुछ इसमें प्लास्टिक लोहे का भी सामान था, कुछ इसमें गंद था वो उसमें है। तो चलें शुरू करते हैं। बस आपसे ये रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखना है और लाइक लाजमी कर दें, आप लोगों के लिए देखें और अपने परिंदों के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं। दोस्तों सारे के सारे देखें माशाल्लाह सफाई हो चुकी है। ये पता नहीं कब का गंद पड़ा हुआ था, मैं सोच रहा था उठाएंगे उठाएंगे, लेकिन मैंने सारा का सारा गंद दोस्तों लकड़ी वाले में डाल दिया था। मैंने कहा था कि जब मुझे कोई शापर वगैरह मिलेगा इंशाल्लाह डाल दूंगा, लेकिन आज मौका था छत की सफाई करने का, तो मैंने कहा चल इसको भी साफ़ करते हैं। मटकियाँ जो हमारी भजीज वगैरह की मैंने यहाँ लगा दी हैं, और अब ये बिल्कुल जगह खाली हो चुकी है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह दोस्तों यहाँ पर हमारा मुर्गियों का सेटअप तैयार होगा, इंशाल्लाह दुआ कीजिए जल्दी से तैयार हो जाए। बाकी एक काम दोस्तों, सबसे बड़ा काम ये रह गया कि ये जो हमारे से मास्क ने हमारी मदद की है, अब इसको हम डालेंगे इसमें। चलो इसको भी हमें इसमें डाल के कर देता हूँ बंद। ये सारी मुर्गियों की जो मेहनत है वो इसमें जा रही है, ठीक है दोस्तों। ये देखो माशाल्लाह इसको मैंने कर दिया बंद, बाकी ये रदी का सामान है इसको हम निकाल देंगे। और ये देखें मुर्गी बेचारी गर्मी में है यहाँ पे, इसको मैं भी निकाल दूँगा क्योंकि दोस्तों छतें टपती रहती है। तो बाकी ये कुछ सामान है ये मैं नीचे ले जाऊंगा, रस्सियाँ वगैरह ये काम की चीज़ें हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों सारा का सारा मैं आपको व्यू अभी नहीं दिखाता, बल्कि सारी सफाई करके एक दफ़ा जो मोटी मोटी चीज़ें फिर मैं आपको दिखाता हूँ।
ये कुछ हुआ सफाई करने के बाद, ठीक है। पहले आपने देखा होगा कितना गंद था। तो दोस्तों ये मैंने इनके अंडे देने वाली जगह बनाई है, माशाल्लाह उम्मीद तो पूरी है कि यहाँ पे अंडा दिया करेंगी, और यहाँ हम रात को असील रखे करेंगे। और यहाँ भी मैंने एक तसला रख दिया, यहाँ पे अगर मैं घास वगैरह ला के डाल दूँगा, अगर यहाँ पे भी किसी ने अंडा देना होगा तो दे देगी। मटकी हमारी हिफाजत में है, पीछे वो अब गिरेंगी नहीं। तो ये मैंने इसके ऊपर जो दरी वहाँ पर लगाई हुई थी ये मैंने यहाँ रख दी है, तो मैं अंदर से दिखाता हूँ आपको। ये देखो दोस्तों अंदर से जो है बिल्कुल अंधेरा है, ठीक है। ये देखें हर जगह से देख रहे हैं आप। तो इसके अंदर इंशाल्लाह मैं घास वगैरह ला कर डाल दूँगा, बाकी उम्मीद पूरी है यहाँ पे हमारी मुर्गियाँ अंडा दिया करेंगी। तो सफाई हो गई है, अब मैं क्या करूँगा कि जितना भी ये इसमें पानी भर के पूरी छत पे जो है हम फैला देंगे, छिड़क देंगे, ताकि जितनी मिट्टी है वो बुढ़े ना वहीं पर जम जाए, ठीक है। तो पानी छिड़क रहे हैं, तो मुर्गियों को इंशाल्लाह जब खोलने के देखिए कैसे मज़ेदार फिरेंगे, फिर हम उनको दाना डालेंगे, फिर वो खाएंगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगा। और तो मैं अब आपको दिखाता हूँ, ये देखें माशाल्लाह ये दोस्तों हमारी छत हो चुकी है कुछ इस तरीके की। अगर हम थोड़ा यहाँ से हमारी एंट्री होती है दोस्तों, जब हम आते हैं तो यहाँ से हमारी होती है एंट्री, तो थोड़ा सा ही आगे आते हैं, ये भाई पानी छिड़क रहा है मेरा, तो यहाँ से एंट्री आती है, एक मिनट यहाँ से एंट्री होती है, तो यहाँ हमारा मुर्गियों का सेटअप है, यहाँ भी हमारा मुर्गियों का सेटअप है। तो चलें ये देखें कुछ इस तरीके से दोस्तों पानी छिड़क रहा है यहाँ पे, ये देखें, ठीक है। तो उधर उधर भी करना ज़रा। तो ये देखें दोस्तों माशाल्लाह हमारी छत जो है अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ हो चुकी है, पानी मैंने छिड़क दिया अच्छी तरीके से, ये देखें सारी जगह जो है अच्छी तरीके से मैंने पानी छिड़क के कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इनका जो प्याला है पानी वाला दोस्तों वो साफ़ हो रहा है, ये देखें दूसरा भी ला देते हैं, उसको भी हम जो है साफ़ करवा देते हैं अपने भाई से, भाई जान ये भी कर दें, ये ले। तो उस कपड़े से नहीं हो रहा था तो मैं ये जूना लेके आया हूँ, इसको मैं भाई को दे देता हूँ तो वो उससे कर देंगे, ये ले। ये देखें दोस्तों माशाल्लाह बर्तन हमारे सारे के सारे जो हैं साफ़ हो चुके हैं, ये देखें उस जूने से हुआ ये। तो ये देखें माशाल्लाह बटेरों का भी मैंने सारा दाना पानी जो चेंज कर दिया, इसको भी अच्छी तरीके से साफ़ कर दिया, अभी इसमें हमारा जो है पानी भर रहा है मुर्गियों का, और इसमें भी जो है मैं पानी भर के जो है रख देता हूँ, क्योंकि हमारे पास मुर्गियाँ माशाल्लाह ज़्यादा हैं। तो उसके बाद फिर हम रिलीज़ करेंगे अपनी मुर्गियों को अपने सेटअप पर, ठीक है। माशाल्लाह देखें कितना साफ़ सुथरा लग रहा है, अब ये जो पानी सूख रहा है इससे देखें कितना अच्छा व्यू आ रहा है माशाल्लाह, ठीक है। तो अभी जाके मैं मुर्गियों को मैं आपको दिखाता हूँ ये क्या कर रही हैं। वो मुर्गी एक ये हमारी सील निकलने को कर रही है बाहर, और बाकी मुर्गी ये देखें माशाल्लाह यहाँ पे जो है बैठी हुई हैं, और देसी मुर्गी को मैंने यहाँ पे रखा हुआ है क्योंकि वो डरती बहुत है, तो इसमें वो छोड़ते हैं तो वो मारती हैं मुर्गी से। तो चलें इनको जो है मैं अभी रिलीज़ करता हूँ बाहर। तो एक पानी का प्याला यहीं पर रहेगा और दूसरा मैं उठा कर रख देता हूँ उस वाले साइड पर, ये यहाँ पर रख देता हूँ दोस्तों, ताकि यहाँ से भी जो है हमारी मुर्गियाँ पानी पी लें। तो चलें अब क्या करते हैं हम अपनी मुर्गियों को दोस्तों खोल देते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। माशाल्लाह इनको हम दाना भी डाल देते हैं। तो ये जी दोस्तों माशाल्लाह वेलकम टू मुर्गियों सेटअप, ये देखें आते ही माशाल्लाह इसने पानी पीना शुरू कर दिया, तब उनके प्यासे दे। तकरीबन दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कितना टाइम हो गया हमें छत पे साफ़ करते हुए, तकरीबन हमें दोस्तों 1.5 घंटा हो गया छत पर आए हुए, और ये सारा का सारा माशाल्लाह सारा काम जो है हमारा हो गया। मैं अंदर जाकर इनको निकालता हूँ, तो ये देखें दोस्तों माशाल्लाह हमारी मुर्गियाँ यहाँ पे खुल चुकी हैं माशाल्लाह। तो चलें उसको भी मैं जो है मैं उस मुर्गी को भी जो है खोल देता हूँ। तो चलें दोस्तों हम जब ऊपर छत पे आएंगे तो हमें कुछ इस तरीके का जो है अपना सेटअप देखने को मिलेगा माशाल्लाह, ये देखें कुछ मुर्गी यहाँ पे चली गई कुछ वहाँ पे, अब इनकी अपनी मर्जी है जहाँ चाहे घूमें, और अगर इन्होंने अंडा देना होगा तो इसके अंदर जाके जो है ये अंडा दे देंगी। मैं अभी जाता हूँ घास भी ला के जो है इसमें मैं डाल देता हूँ। तो ब्लैक मुर्गी काफ़ी डरती है हमारी मुर्गियों से, तो ये जो है ऊपर जा कर बैठ गई, ये देखें
तो उसको मैं छेड़ता नहीं हूँ, अगर इसने आना होगा तो आ जाएगी। तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों बताइएगा लाजमी कि आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी, और काफ़ी मेहनत लगी है दोस्तों इसमें, तो एक लाइक तो बनता है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो दोस्तों लाइक लाजमी कर दें, और हमारे इस चैनल को ब्यूटी बर्ड्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियोज़ दोस्तों आप तक पहुँचती रहें। और अगर आपका किसी भी किस्म का सवाल है तो आप इसी वीडियो को नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आपका जवाब दे दूँ, या फिर मैं उस पर जो है वीडियो भी बना दूँ। इंस्टाग्राम का लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में, जाएँ जाके फॉलो करें, उस पर भी आप मुझसे सवाल जो है पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।